नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ सिटी जंक्शन से उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जंक्शन NER तक चलने वाले राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, इस ट्रेन की कोच की संख्या और कोच पोजिशन के बारे में, इस ट्रेन के किराए के बारे में और इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 11 मार्च 2012 में हुआ था। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ सिटी जंक्शन से उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जंक्शन NER तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 22454। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है लखनऊ जंक्शन NER से मेरठ सिटी जंक्शन तक, जिसका नंबर है 22453। इस ट्रेन को राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन ट्रेन नंबर 11109 और 11110 के साथ अपने रेक शेयर करती है। यह ट्रेन मेरठ सिटी से लखनऊ NER तक तकरीबन 459 किलोमीटर अंतर 8 घंटे और 25 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 55 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन सप्ताह में 7 दिन चलने वाले दैनिक ट्रेन है। इस ट्रेन को मेरठ सिटी से लखनऊ जंक्शन तक ले जाने के लिए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी लोको शेड का WP4 लोकोमोटिव लगता है, जो कि एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रहता है। इस ट्रेन को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में HCF श्रेणी के 13 कोच लगते हैं, जिनमें AC चेयर कार के 2, थर्ड टायर AC के 2, सेकेंड सीटिंग के 6, जनरल का 1 और SLR के 2 कोच शामिल रहते हैं। इस ट्रेन की कोच पोजीशन अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो कृपया पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, जिनमें मेरठ सिटी जंक्शन से लखनऊ जंक्शन NER तक का सेकंड सीटिंग का किराया रहता है 170 रुपया, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल हैं। AC चेयर कार का किराया रहता है 630 रुपया, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST शामिल हैं। दोस्तों, वक्त के साथ ट्रेन की बेसिक जानकारी, कोच की संख्या और कोच पोजीशन, किराया और टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन 8 स्टेशनों पर रुकती हैं और 73 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती हैं। इस ट्रेन की जर्नी उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ सिटी जंक्शन से सुबह 6:40 पर शुरू होती है। इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है हापुड़ जंक्शन। हापुड़ जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:15 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:17 पर रवाना हो जाती है अमरोहा स्टेशन के लिए। अमरोहा स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 8:36 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:38 पर रवाना हो जाती है मुरादाबाद जंक्शन के लिए। मुरादाबाद जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 9:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 8 मिनट के होल्ड के बाद 9:33 पर रवाना हो जाती है रामपुर जंक्शन के लिए। रामपुर जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 10:01 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:03 पर रवाना हो जाती है बरेली जंक्शन के लिए। बरेली जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 11:03 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 11:08 पर रवाना हो जाती है शाहजहाँपुर जंक्शन के लिए। शाहजहाँपुर जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 12:18 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 12:20 पर रवाना हो जाती है हरदोई स्टेशन के लिए। हरदोई स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 1:12 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:14 पर रवाना हो जाती है बालामऊ जंक्शन के लिए। बालामऊ जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 1:41 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:43 पर रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल के लिए। इस ट्रेन का आखिरी मंजिल स्टेशन रहता है लखनऊ जंक्शन NER। लखनऊ जंक्शन NER स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 3:05 पर पहुँचती है और इस ट्रेन की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। अपनी यह ट्रेन मेरठ सिटी जंक्शन से लखनऊ जंक्शन NER तक तकरीबन 459 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती, ऑनबोर्ड और ई कैटरिंग की सुविधा दी जाती है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।